हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप एयरटेल की सिम चलाते हो और आपके पास 5G का मोबाइल है और आपके सिम भी 5G की है, लेकिन दोस्तों आपके मोबाइल में 5G नेट नहीं चल रहा है। दोस्तों आपके में रिचार्ज भी 239 रुपए से ज्यादा का किया हुआ है, भी आपके में 5G का अनलिमिटेड डाटा नहीं चल रहा है, तो ऐसी कौन सी गलती की जो आपके में 5G डाटा नहीं चल रहा है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपके 5G मोबाइल में एयरटेल का 5G नेट क्यों नहीं चल रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं आपको अपना अगला रिचार्ज प्लान कब करवाना चाहिए, जिससे कि आपको सस्ता ऑफर मिल जाए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, आप ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपके पास 5G का मोबाइल है और आपने नया फोन लिया हो या फिर आपके पास पुराना फोन हो 5G का, जब आप अपने 5G मोबाइल में एयरटेल की 5G सिम डालते हो, चाहे वो पुराना नंबर हो या फिर नया नंबर हो, सिर्फ आपको एक सेटिंग करनी होती है, उस सेटिंग से आपका 5G नेट चलने लगेगा। दोस्तों बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो सारी सेटिंग सेट कर लेते हैं फिर भी उनका 5G नेट नहीं चल पाता है, तो उनके लिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूं वो कौन कौन सी सेटिंग सही करना होता है जिससे कि आपका 5G नेट चलने लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है और आपका 5G नेट नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर करना, यानी कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपको दूसरे नंबर पे एयरटेल का ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आपके में पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो उस ऐप को आपको अपडेट कर लेना होगा प्ले स्टोर में जाकर। एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सारी परमिशन ऑन कर देनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपका अपना एयरटेल का मोबाइल नंबर एयरटेल ऐप में डालकर लॉगिन कर लेना होगा। वहां पे आपका अपना प्लान शो करेगा कि आपके पास प्लान एक्टिवेट है या फिर नहीं। एक्टिव प्लान देखने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना होगा और वहां पे लिखा होगा एयरटेल 5G प्लस, तो वहां पे आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे करना होगा, नीचे करने के बाद नीचे लिखा हुआ है क्लेम नाउ, तो यहां पे आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद आपका सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है आपका 5G नेटवर्क। इसके बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और 5G नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका नेट 5G चलने लगेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद नहीं हो तो लाइक जरूर कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिएगा।